मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होती है और कुछ स्पेशल टाइप की जो सीक्वेंसेस होती हैं वो क्या होती है। तो सबसे पहले सीक्वेंस को अगर यदि डिफाइन करें तो सीक्वेंस वास्तव में एक फंक्शन है जो किसी सेट x से किसी सेट u से में डिफाइन होता है। एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन कोई फंक्शन यदि होता है तो वो सीक्वेंस कहलाता है। अपन ये कह सकते हैं इसको यदि डिनोट करें अपन, तो चूंकि फंक्शन f के रूप में अपन हमेशा डिफाइन करते आए हैं, इसको यदि सीक्वेंस के नोटेशन के रूप में अपन डिफाइन करें, एक दूसरे तरह का अपन सिंबल काम में लेंगे। वो सिंबल अपन लेंगे यदि इसको इस तरह से डिफाइन करें, स्मॉल x, स्मॉल x इज अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम n टू x। यदि इस तरह का कोई फंक्शन होता है n टू x में डिफाइन कोई फंक्शन होता है जहां n इसकी डोमेन कहलाती है, x इसका और डोमेन या रेंज कहलाता है। इस तरह का कोई फंक्शन होता है वो फंक्शन हमेशा एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो x इसकी कोडोमेन या रेंज जो अपन लेते हैं, यदि ये कोडोमेन या रेंज किसी रियल नंबर सेट R का सबसेट है, मींस x इज सबसेट और इक्वल्स टू R, तो ये जो सीक्वेंस बनती है ये सीक्वेंस रियल सीक्वेंस है। तो यदि कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है तो जो सीक्वेंस बनती है वो सीक्वेंस रियल सीक्वेंस है। यदि सीक्वेंस को अपन नोटेशन दें, किस तरह से अपन इसको नोटिफाई करेंगे, इसका नोटेशन क्या होगा, तो नोटेशन अपन यदि डिफाइन करना चाहें तो हमेशा सीक्वेंस को इस रूप में अपन लिखेंगे, जहां पर अपन एक्स एन जो लेते हैं वो एक्स एन इसका nth टर्म का है। इसी भी सीक्वेंस को यदि अपन डिनोट करें तो इस तरह से इस सिंबल के रूप में अपन डिनोट करेंगे, जहां एक्स एन उसका कौन सा टर्म कहलाता है, nth टर्म उसका कहलाता है। इस तरह से कोई भी सिंबल यदि अपने पास आता है तो वो सीक्वेंस कहलाता है। यदि अपन पहले जैसे डिफाइन कर चुके हैं, यदि इसका कोडोमेन रियल नंबर सिस्टम होता है या रियल नंबर सेट का कोई सबसेट होता है, तो जो सेट जो सीक्वेंस बनती है वो सीक्वेंस आपकी रियल सीक्वेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन कहें कि मान लीजिए एक सीक्वेंस ऐसा बनता है। अच्छा, एक चीज पहले और क्लियर कर दें, इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन हमेशा ही सेट ऑफ नेचर होता है। जो भी सीक्वेंस अपन स्टडी करेंगे उसका डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। उसका कोडोमेन कोई भी सेट हो सकता है, यदि उसका कोडोमेन रियल नंबर का कोई सबसेट होता है तो ऐसे सीक्वेंस रियल सीक्वेंस है। इसका एग्जांपल अपन लें, स्पेशल एग्जांपल जैसे अपन ये कहें कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसका जनरल पर जिसको एन टर्म कहते हैं वो 1/n के रूप में होता है, और जिसको अपन और डिफाइन करें कि जैसे n की वैल्यूज दें, n कोई नेचुरल नंबर होता है, उसकी वैल्यूज यदि अपन दें तो मान लीजिए ये जो आपका बनता है इस तरह का बनता है, ये कोई सीक्वेंस कहलाती है और इसी को अपन रियल सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जैसे अपन ने कहा xn जो है उसको nth टर्म कहलाता है, तो यदि इसको टर्म्स के रूप में अपन लें, तो ये टर्म के रूप में लें तो ये x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, xn आ गया, इस तरह से सो ऑन अपन लेकर के चले, जहां x1 उसका पहला टर्म कहलाएगा, x2 उसका सेकंड टर्म, x3 थर्ड टर्म, xn उसका nth टर्म कहलाएगा। इस तरह से किसी सीक्वेंस को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि अपन ये डिफाइन करें कि मान लीजिए दो सीक्वेंसेज हैं, दो सीक्वेंसेज अपन ये कहेंगे इस तरह की डिफाइन करेंगे, xn सीक्वेंस एक है और दूसरी सीक्वेंस मान लीजिए y2 है। ये दो दो डिफरेंट सीक्वेंसेज हैं, ये दो डिफरेंट सीक्वेंसेज सेम होती है, इक्वल होती है। वो इक्वल कब होती है, तो दो जो सीक्वेंसेज अपन कहते हैं कि वो इक्वल सीक्वेंसेज कहलाती है यदि उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स सेम हो। यदि उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स सेम होते हैं तो दोनों सीक्वेंसेज सेम सीक्वेंसेज कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ यदि x1 जो है वो y1 के बराबर हुआ, x2 आपका y2 के बराबर हुआ, इसी तरह से जनरल टर्म अपन कहें xn यदि yn के बराबर है, ऐसी दो सीक्वेंसेज इक्वल सीक्वेंसेज है। तो ये तो अपन सीक्वेंस रियल सीक्वेंस और उस सीक्वेंस को किस तरह से अपन डिनोट करते हैं वो अपन देखते हैं। इसके बाद में अपन चले, यदि ये सीक्वेंस अपने पास दे रखे तो सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस हो, चूंकि अपन ने पहले डिफाइन कर रखा है कि सीक्वेंस वास्तव में एक फंक्शन होता है, तो जो प्रॉपर्टीज फंक्शन की होती है वो कि वो लगभग सारी प्रॉपर्टीज आपके सीक्वेंस के रूप में भी काम आती है। तो पहले अपन ये देखें यदि कोई सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाता है।
तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए इसमें बाउंड्स होंगी। तो बाउंडेड सीक्वेंस में पहले अपन ये कहते हैं कि यदि अपर बाउंडेड होती है तो वो क्या होगा, अपर बाउंडेड सीक्वेंस कैसे क्या होगा। अपन ये लें, मान लीजिए कि ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करता है कि उस सीक्वेंस के सारे पद यदि के से छोटे या बराबर है, यदि कोई पॉजिटिव नंबर के ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उस सीक्वेंस के सारी टर्म्स जो है उसके से छोटी या बराबर होती है, ऐसी सीक्वेंस अपर बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। यानी xn यदि इस तरह का है व्हिच इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू k, तो अपन कहते हैं ये सीक्वेंस ऊपर की तरफ से बाउंड होगी और जो k अपने पास दे रखा है वो k उसकी क्या कहलाएगी, अपर बाउंड कहलाएगी। k जो है इसका क्या कहलाता है, अपर बाउंड। इसी तरह से लोअर बाउंडेड सीक्वेंस होती है, यदि मान लीजिए कोई ऐसा नंबर अपने पास में है एल कि उस सीक्वेंस के सारे पद यदि एल से बड़े या बराबर, सारे के सारे पद यदि एल से बड़े या फिर बराबर होते हो, यानी एल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स एन, यदि ऐसा होता है तो ऐसी सीक्वेंस लोअर बाउंड लोअर बाउंडेड कहलाती है और एल जो है वो उसका लोअर बाउंड कहलाता है। इस तरह से अपन कहते हैं कि k उसका अपर बाउंड कहलाता है और l उसका लोअर बाउंड कहलाता है। यदि अपन ये कहते हैं कि k ऐसा एग्जिस्ट करता है कि all xn are less than or equals to k, then the sequence is known as upper bounded sequence. If there exists an l such that l is less than or equals to xn, then l is known as the lower bound of the sequence and the sequence is known as lower bounded sequence. यदि कोई सीक्वेंस ऐसी है जो ऊपर की तरफ से भी बाउंडेड है यानी अपर बाउंडेड भी है, और कोई सीक्वेंस वही सीक्वेंस ऐसी है जो लोअर बाउंडेड भी है, तो ऐसी सीक्वेंस को अपन बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ए बाउंडेड सीक्वेंस इज द सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी, द सीक्वेंस xn इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट l एंड k सच दैट xn lies between L and K for all n equals to k। यदि इस तरह का कोई नंबर अपने पास L और K exist करते हैं कि उस xn की वैल्यू L और K के बीच में लाई करती है, ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। अब यदि अपन ये भी सोचें यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी निश्चित रूप से बाउंड्स होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं यदि कोई सीक्वेंस मान लीजिए बाउंडेड है और वो सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए कोई सीक्वेंस ऐसी जिसकी अपर बाउंड 5 है, तो यदि अपर बाउंड 5 है तो xn बाउंडेड होगी यदि xn इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो उस सीक्वेंस का हर पद 5 से छोटा है। अपन ये भी जानते हैं कि यदि उसका हर पद 5 से छोटा है तो निश्चित रूप से वो 6 से भी छोटा होगा, निश्चित रूप से वो 7 से भी छोटा होगा, और निश्चित रूप से बहुत सारी और टर्म्स ऐसी हो सकती है जिससे कि उसका हर पद छोटा हो। तो ये सारी जो चीजें 5, 6, 7, 8 जितने भी सारे ओवर टर्म्स हैं वो सारे उस सीक्वेंस के अपर बाउंड्स कहलाते हैं। इन अपर बाउंड्स में से जो सबसे लीस्ट होता है, इन अपर बाउंड्स में से जो सबसे लीस्ट होता है वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, और उसी का एक नाम होता है हम कहते हैं वो उसका सुप्रीमम होता है। तो सुप्रीमम ऑफ ए सीक्वेंस सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस को अपन कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम किसी भी सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड। जैसे अपन ने देखा कि कोई सीक्वेंस ऐसी थी जिसकी अपर बाउंड 1 से ज्यादा है, उन सब में से जो लीस्ट एलिमेंट होता है वो लीस्ट एलिमेंट ही उसका क्या कहलाता है, सुप्रीमम। तो यदि कोई सीक्वेंस ऐसी है जो अपर बाउंड है और उसका यदि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो अपन कहते हैं if there exists capital N such that xn is always less than or equals to capital N, तो N उसका क्या कहलाएगा, सुप्रीम। इसी तरह से अपन ये भी देखते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस ऐसी थी जो मान लीजिए 5 से बड़ी थी, जो सीक्वेंस 5 से बड़ी थी या 3 से बड़ी थी, मान लीजिए यदि वो 3 से बड़ी थी तो 3 उसका लोअर बाउंड कहलाएगा। उस सीक्वेंस का प्रत्येक पद यदि 3 से बड़ा है
तो वो लॉर्ड लॉन्ग कहलाता है। जब वो तीन से बड़ा है तो निश्चित रूप से वो दो से भी बड़ा होगा, जब वो दो से बड़ा है तो निश्चित रूप से वो एक से भी बड़ा होगा, जब एक से बड़ा है तो निश्चित रूप से वो जीरो से भी बड़ा होगा। तो उस वाली स्थिति में तीन उसका अपर बाउंड कहलाता है, लोअर बाउंड कहलाता है, दो भी उसका लोअर बाउंड कहलाता है, एक भी उसका लोअर बाउंड कहलाता है और जीरो भी उसका लोअर बाउंड कहलाता है। यानी कोई भी सीक्वेंस ऐसी है जो नीचे की तरफ से बाउंड है तो उसकी बाउंड जो है लोअर बाउंड से वो एक से ज्यादा हो सकती है। इन लोअर बाउंड में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है और उसको अपन कहते हैं उस सीक्वेंस का इंफिमम होता है। सो इंफिमम ऑफ ए सीक्वेंस इंफिमम ऑफ ए सीक्वेंस इज ग्रेटेस्ट लोअर जो लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करती है उन लोअर बाउंड्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और उसको अपन कहते हैं उस सीक्वेंस का इंफिमम। इस केस में जो अपन ने देखा उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होती है वो तीन होती है और इस वाली स्थिति में तीन उसका क्या कहलाएगा इंफिमम। यहाँ पर अपन ने सुप्रीमम पढ़ा, इन सुप्रीमम में अपन ने देखा जो लीस्ट अपर बाउंड है वो पांच है तो पांच उसका क्या कहलाएगा सुप्रीमम, पांच उसका सुप्रीमम होगा और तीन उसका इंफिमम। Thank you.